जब स्पिरिचुअल मैटर्स के लिए आपको कई बार अपनों को दुख देना पड़ता है, यह कड़वे साग पात की तरह लगता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जब मुझे खाना तो कड़वे साग पात के साथ खाना। कई बार जब जीसस क्राइस्ट के वचनों को मानना पड़ता है तो कई बार एक कड़वाहट के साथ हमें चलना पड़ता है, और लोग नाराज होते हैं, फैमिली नाराज होती है, अपने नाराज हो जाते हैं। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर आप परमेश्वर की बात को, अगर आप अपने आत्मिक मेंटर की आवाज़ को सुनेंगे, तो आप फिर वहां पहुंचेंगे जहां आपकी फैमिली सबसे ज्यादा आप ही के कारण ब्लेस्ड होगी। वो टाइम आएगा कुछ सालों बाद, कुछ महीनों बाद, कि वो आपका ही थैंक्स करेंगे कि तू रुका नहीं, तू थका नहीं, तू रुकी नहीं, तू थकी नहीं, और आज मैं भी तेरे कारण आशीषित हूं। ये थे जीसस के शब्द जो उसने कहा, मरियम हे नारी ये तेरा बेटा, यूहन्ना दिस इज योर मदर, ये तेरी माता है। हालेलुया। मत्ती 27 उसकी 46 में लिखा, तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सब्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। लोगों को लगता है कि यीशु मसीह को छोड़ दिया, यीशु मसीह रो रहे थे, वो तो खुद रो रहे थे, वो तुम्हें क्या बचाते। लेकिन जब अनपढ़ों को यह नहीं मालूम होता कि उसका रीजन क्या है, वो अपने ही चीजों से परमेश्वर की कामों का बखान करने की कोशिश करते हैं, बाद में खुद फंस जाते हैं, खुद भागते फिरते हैं और कुछ पता नहीं कि क्या करना है। अब आपको ये ध्यान से सुनना है, बाइबल कहती है जब जीसस क्राइस्ट गतसमनी बाग में, आज भी आपने देखा, जब वो ये कह रहे थे कि पिता हो सके तो ये कटोरा टल जाए, वो कोड़ों के बारे में बात नहीं कर रहे थे, वो कांटों के ताज के बारे में बात नहीं कर रहे थे। जीसस क्राइस्ट दुखों के और जो कोड़े और जो परमेश्वर को ताड़ना पड़नी थी, वो उस कटोरे के बारे में बात नहीं कर रहे थे, बात कुछ और थी। व्यवस्था विवरण 21 और 22 और 23 में वो बात लिखी है, लिखा यदि किसी के प्राण दंड के योग्य कोई पाप हुआ हो जिससे वो मार डाला जाए, तो उसके शव को वृक्ष पर, ट्री पर, लकड़ी पर लटका दिया जाए। वो शव रात को वृक्ष पर टंगा ना रहे, उसी दिन उसे मिट्टी देना जो लटकाया गया हो, क्योंकि जो लटकाया गया हो वो परमेश्वर की ओर से श्रापित ठहरता है। बाइबल कहती जो क्रूस पे लटकाया गया हो वो श्रापित है। गलातिया की पुस्तक को पढ़ेंगे 3:13, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई लकड़ी पे लटकाया जाता है वह श्रापित है। यीशु मसीह को मालूम था कि अगले दिन क्रूस पर लटकाकर उसकी जान ली जाएगी, और यीशु मसीह को यह भी मालूम था कि पुराने नियम में लिखा हुआ है कि अगर कोई लकड़ी पे लटका के मारा जाएगा वो श्रापित होगा। और यीशु मसीह को यह भी मालूम था कि अगर मैं लकड़ी पर लटकाकर मारा जाऊंगा और श्रापित होऊंगा, तो यहोवा पिता जो पाक और पवित्र है, जो श्राप को और पाप को देखता तक नहीं, मुझे उससे अलग होना पड़ेगा और मुझे उससे जुदा होना पड़ेगा। और यही पीड़ा थी परमेश्वर के दिल में, और इसीलिए परमेश्वर ने कहा था, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि लकड़ी पर जब लटकाया जाता था तो इसका मतलब था पाप के कारण ये लकड़ी पे लटकाया गया। अब जीसस क्राइस्ट पाप किसके थे? तुम्हारे और मेरे। अब तुम्हारे और मेरे पापों के कारण वो लकड़ी पे लटकाया गया। जब तुम्हारे और मेरे पापों के कारण वो लकड़ी पे लटकाया गया, तो पुराने नियम के मुताबिक जो यहोवा पिता का वचन है वो श्रापित था। और ये भी हमें मालूम है कि जो श्रापित है उसकी ओर परमेश्वर देखते नहीं। और जब परमेश्वर ने अपनी पीठ को परमेश्वर की ओर फेरा, अपने फेस को हटा लिया, तो इसीलिए परमेश्वर ने कहा था, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे कि मेरे पिता हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, लेकिन मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। बाइबल कहती आदम के कारण जो पहला था, उसके एक गुनाह के कारण हम सब पापी ठहरे। चाहे हम अच्छे काम करें तो भी पापी हैं, चाहे हम भले काम करें तो भी पापी हैं, क्योंकि वो ब्लड के कारण जो पाप था सारे मनुष्यों में फैला। एक गुनाह सबके पाप का कारण हुआ, और बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह जब उस पाप को रिप्रेजेंट करके लटके हुए थे, तो जो हमारी जुदाई थी, परमेश्वर खुद जुदा होके उस पुल को, उस गैप को वो भर रहे थे। और इसीलिए परमेश्वर दुखी थे, क्योंकि वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकते थे, लेकिन कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनटों के लिए भी वो पिता के साथ दूरी को और पिता के साथ अलगताई को वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। और इसलिए उन्होंने कहा, हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्योंकि वचन पूरा हुआ, जो काट पे लटकाया जाता है वो श्रापित है, अगर वो श्रापित है तो पाप उसे देखेगा नहीं, छोड़ देगा। वो छोड़ा इसलिए गया ताकि हम परमेश्वर में आ सकें। लेकिन जिस तरह आदम के पाप के कारण सारी दुनिया पापी ठहरी, यीशु मसीह की आज्ञाकारिता के कारण
तुम और मैं आज धर्मी हैं। एक मनुष्य के कारण हम पापी थे और एक के कारण आज हम धर्मी होकर खड़े हैं। आमीन, हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर ने कहा था, तूने मुझे क्यों छोड़ा? और बाइबल कहती, जब परमेश्वर ने अपने कामों को कर लिया, पिता के साथ मेल मिलाप कर लिया, अपने लहू को बहा दिया, सिर्फ तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा, शैतान का तमाशा बना दिया। आज तक बना रहा है शैतान का वो तमाशा, हर संडे थर्सडे रोज 24 घंटे बनता है दुनिया। हालेलुया। उसका अगला शब्द यीशु मसीह ने यूहन्ना 19 उसकी 28 आयत में बोला। इसके बाद यीशु ने ये जानकर कि सब कुछ पूरा हो चुका, पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो